में कभी भी अपना भक्तों का निंदा कभी नहीं सहन नहीं कर सकता। क्यों? तो जगत में मेरे प्रचार प्रसार तो मेरे भक्त करते हैं। अगर मेरे भक्त नहीं करते मैं दुनिया में कौन जानता? कोई जानता नहीं। भक्त की वजह से दुनिया में तो जानता है। अगर जो हर समय हमारी महिमा को गाते हैं, मेरी गुण को गाते हैं, मेरी लीला को गाते हैं, भगवान उसमें खुश होते। अगर मैं बोलूँ हैं मदन मोहन प्रभु बहुत अच्छे, विनोद प्रभु जी बहुत अच्छे, स्वभाव भी बड़ी कोमल है, सबको बड़ी दया करते हैं, सबकी कृपा करते हैं, खुश हो जाते कि नहीं? लोग खुश होते कि नहीं? तो उसी तरह जो व्यक्ति भगवान की महिमा को गाए, ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े कृपालु, सबको बड़ी कृपा करते हैं, उनके जैसे दयालु जगत में कोई है नहीं, तो ठाकुर खुश होते कि नहीं? ठाकुर जी इसलिए भगवान कहते हो मेरी महिमा को दुनिया में गान करते हैं, मेरी प्रशंसा को गाते हैं, तभी जीव मेरे पास में आते हैं। जैसे एक पिता अरब खरबपति, पिता अरब खरबपति, क्या हुआ? एक दिन पिताजी ने कोई गलती किया था, डांट लगा दी तो उसको अभिमान हो गया, पिताजी मेरे को डांट लगा, घर छोड़ कर चला गया। चला जाएगा क्या करेगा? दुनिया में कौन पूछेगा? घर में था तो हाँ, रोज 56 भोग 36 व्यंजन खाता था, आराम में रहता था, कोई चिंता नहीं। बाहर जाएगा तो क्या करेगा? दर दर भटक रहे। अभी जाकर चाय की दुकान में प्लेट साफ कर रहा है। एक दिन उसका मंत्री ने देखा ये राजा ये हंस में गुमसुम रहता है। एक दिन मंत्री ने पूछा, राजा क्या बात? अरे मन में खुशी नहीं। तो उन्होंने बताया, मेरा एक बेटा था जो भविष्य में राज सिंहासन में बैठने वाला था, लेकिन मेरी कोई गलती किया, थोड़ा डांट लगा तो पता नहीं कहाँ चला गया। अभी सोच रहा हूँ राज को संभालेगा, कहीं तो बड़ा दुखी हूँ बच्चे के लिए। मंत्री ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ बच्चा कहाँ। ढूंढते देखा एक दुकान में बर्तन मल रहा है, चाय की दुकान में बर्तन साफ कर रहा है, जागा साफ कर रहा है। उन्होंने देखा ही भगवान, कहा राजा का बेटा कर रहा है क्या है? क्योंकि पिताजी का बात नहीं सुना ना, क्या करेगा? घर में रहते आजाद में रहता था, पिताजी का बात नहीं सुना, दर्द भटकेगा। अभी ये मंत्री ने किया कि उसको कुछ बताया नहीं, वो राजा का मैं मंत्री हूँ। उसने उसको साथ में जा करके दुकान में काम करना शुरू कर दिया, उसका दोस्त भी बना दिया। तो दोस्त बन जाए, अब देखना एक साथ में जब बहुत घनिष्ठ दोस्ती हो जाओगे ना, तो दिल खोल कर सारे बात बता दो। एक दिन उसने वो उसको बोला, बोले देख तेरे जो लंबे चौड़े चेहरे, तो देखने में बड़े सुंदर लगते हो, हाँ लगता है कोई बड़े घर का लड़का हो, लेकिन तुम ये बर्तन क्यों मल रहे हो? क्या चक्कर? तू कहाँ के रहने वाले? इतना सुनते ही ना वो रो पड़ा है। उसने रो पड़ा, उसने सारी घटना सुनाई। मैं इस राजा का बेटा था, एक दिन मैंने कुछ गलती की, पिताजी थोड़ा डांट लगाए, तो मैंने अभिमान से मैंने घर छोड़ दिया। अभी क्या करूँ? अभी दुकान पर बर्तन मल करके पेट पालता हूँ, इसलिए तो फिर घर में वापस क्यों नहीं जाते हो? फिर मैं सोचता हूँ घर में जाऊँ, पता नहीं पिता मेरे को रखेगा कि नहीं, मेरे को पिता घर में रखेगा कि नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। तब उन्होंने खैर बताया, बोले देखो चुपचाप कुछ चंचल इंजेक्शन वाला आएगा ना आपका, तब तो आएगा तो अभी तुम चिंत तो पागल है तथा मैं रिश्ते को, इसलिए उन्होंने बताया देखो मैं उसी राजा का ही मैं मंत्री, राजा का मैं मंत्री हूँ, इसलिए राजा तू जितने दुखी हो तेरे से ज्यादा दुखी तेरे पिता है, हैं? इसलिए वो चाहते हैं तू वापस चले आ, राज सिंहासन को तुम संभालो। राजा ने मेरे को तेरे को ढूंढने के लिए राजा ने मेरे को भेजा है, हैं? घर में चलो। फिर उन्होंने उसको अपना घर में वापस ले आया। बस राजा एक दिन राज सिंहासन राजा ही बन गया, हैं? राजा ही बन गया। इसके उसी तरह जो संत लोग कौन होते हैं? संत लोग कहते हम कौन हैं? हम भगवान की संतान, अमृत से पुत्र। लेकिन भगवान थोड़ा डांट लगा, क्या डांट लगाई? हम गलती काम किया, बोले गलती क्या किया? हम भगवान की भजन भक्ति करना नहीं चाहे, बोले नहीं हम तो विषय भोग करके संसार भोग करेंगे। ठाकुर जी बोले जा देख ले,
क्या मजा तू चाख ले संसार में, क्या देख ले तू है, संसार का आनंद ले ले, मेरा भक्ति भजन नहीं कर देना, देख ले संसार का क्या आनंद देख ले, और यहाँ पर दर दर भटक रहा है, चाय दुकान में काम कर रहा है, मतलब क्या है? हम यहाँ आकर के ये माया के संसार में थप्पड़ खा रहे हैं, तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, पड़ोसी से दुखी, हाँ स्वजन से दुखी, दुखी 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 संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। यदि साधु लोगों ने भगवान इनको भेजा है, जाओ ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे को भूलने का वजह से ये संसार में दुख पा रहे हैं, जा उनको पकड़ कर मेरे पास मिल जाओ। इसलिए भगवान क्यों संतों का है, इसलिए अगर किसी ने इसका खोया हुआ बच्चे को अगर कोई ला करके पिताजी के साथ को दे दे, पिता कितना खुश होगा, खुश होगा कि नहीं, खुश होगा, खुश होगा पिता, क्योंकि अरब खरबपति घर का लड़का और चाय की दुकान में बर्तन मिल रहा है, दर सुधा रोटी भी नसीब में नहीं मिल रहा है। इसलिए भगवान कहते मैं कभी अपना भक्तों का निंदा में सहन नहीं कर सकता हूँ, है इसलिए उन्होंने क्या करता था, संतों का निंदा करता था, उनकी चुगली करता था, बदनाम करता था, देखो रात में क्या करते हैं ये भ्रष्ट सब के सब साधु है, सोचते हैं खूब कीर्तन भजन करते हैं, रात में जो गलत काम कर रहे हैं सब, उन्होंने बदनाम कर दिया, बदनाम कर दिया तो नाराज हो गए ना, उसको शरीर में कुष्ठ हो गया, कुष्ठ या कूड़ है, ये कूड़ हो गया उसका शरीर में, एकदम हाथ पैर गलने लग गया, गले में कूड़ हो गया गले में, और इतनी यंत्रणा होता था, कीड़े पड़ गए सबके सब, क्योंकि संत निंदा बताया, जगत में सबसे बड़ा अपराध संतों की निंदा, इससे बड़ा जगत में कोई निंदा है ही नहीं है, इतने बड़ा कोई निंदा नहीं। भगवान कहते सब चीज को मैं माफ करता हूँ, लेकिन ये चीज को मैं माफ नहीं करता। अभी बड़ा दुखी होकर के महाप्रभु के पास में गए, वे प्रभु मेरे को बचाओ, मैंने वैष्णव निंदा की, मैंने अपराध की श्रीवास चरण में, इसलिए अपराध माफ कर दो। महाप्रभु बोले देखो कांटा अगर पैर में चुभ जाए ना, वो सर में नहीं निकलता, वो पैर से ही निकलेगा, तुमने अपराध मेरी चरण में नहीं, तुमने श्रीवास चरण में किया, इसलिए वहीं पर जाकर के तुम माफी मांगो। अरे उन्होंने श्रीवास पंडित के चरण में आया, माफी मांगी, मेरे अपराध हो गए, संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं संत, फिर उन्होंने उनके अपराध को उन्होंने माफ किया, तो फिर वो सही हुए। फिर अभी जो भजन गा रहे थे ना, ये भजन किसके हैं, उनके भजन है, कर जिस मुंह से, इसलिए उन्होंने महाप्रभु बताया तो तू जिस मुंह से तुमने वैष्णव का निंदा किया, अभी उसी मुंह से वैष्णव का गुणगान कर, उसी मुंह से भगवान की संतों की तुम महिमा गाओ, तब तुम्हारे अपराध माफ हो। इसलिए ये भजन है पूरा के पूरा संतों का महिमा इस भजन में, जितना वृंदावन में, जितने जगन्नाथपुरी में, जितने नवद्वीप में संत हैं, सबका नाम लेकर जो होने वाले होए अभी भी है, सबका नाम ले लेकर वो प्रणाम करते हैं, सभी के कहते संतों का कृपा होगा तो तुम्हारी जो इच्छा है तभी हमारी पूरी होगी, जब संतों की कृपा होगा, अगर उनकी कृपा नहीं होगा तो हमारे मन की इच्छा कभी पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए भजन में जो भजन है इस भजन को रोज गानी चाहिए, घर अगर समझ बूझ कर इसने गाना गा लिए, उसमें क्या बोलना चाहते हैं संतों के बारे में, उसको थोड़ी सी सोच सोच करके थोड़ी सी उसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ है वो कुछ हिंदी के साथ मिलता जुलता होगा, इसके इसने बहुत कोई कठिन है, थोड़ी सी ध्यान देकर देखोगे तो वो मिलता जुलता होगा। इसलिए हम लोग रोज क्या करते हैं सवेरे के भजन को गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु पतिता पवन हेतु तव अवतार सम पतिता प्रभु नापै विहार आ प्रभु नित्यानन्द प्रेमानन्द सोई
శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివసాది గౌరభక్తవృంద బలహరి కృష్ణ 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 శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి శ్రీలు సిద్ధాంతి గోస్వామి మహారాజుకి చరణ కమలమే అనంతకుటి సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామం పెట్ట. తత్పశ్చాత్ మరి శిఖ్యా గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రవిష్ణు విష్ణు పాద అష్టోత్తర సిద్ధ శ్రీ విష్ణుమద్ భక్తి విధాన శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజుకి చరణ సరోజము శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పణ పెడతాం. ఉపస్థిత వైష్ణవ వైష్ణవి సభ్యుక మీ జాలి ప్రణామం పెడతాం. హరే కృష్ణ. किसने प्रभुपाद से प्रश्न किया है भगवत प्राप्ति का उपाय किया है, मतलब हम इस जीवन में भगवान को कैसे हम पा सकते हैं, तो प्रभुपाद इसको कहते हैं बोले भगवान ने सेवा जीवन नित्य धर्म. कहते भगवान कैसे पा सकते हो, बोले ये जीव का नित्य धर्म क्या है, बोले इसका एक ही जगत में धर्म है ठाकुर जी को सेवा करना. ठाकुर जी को सेवा करना इसी जगत में देखना, किसी को खुश करना हो कैसे हम खुश कर सकते हैं, सेवा केवल सेवा से ही खुश कर सकते, और कोई उपाय नहीं. अब देखना पति जब काम करता है 24 घंटे उसके तनख्वाह मिलता है पैसा पैसा, लेकिन वो पैसा ला कर किसको हाथ में देता है, पत्नी, इसको पत्नी को हाथ में देते ना, अब हाथ में आते ही नहीं पैसा, इसलिए तो पत्नी को हाथ में दे देता है पैसा. लेकिन जब कोई पत्नी पति अगर पत्नी को पास में मांगे मुझे 100 रुपया दो, पत्नी बोलेगा कितना पैसा तुम मांग रहे हो, क्या करोगे, पैसा इतना क्यों मांग रहे हो, क्या करोगे, बोलिए काम बोले इतना पैसा की जरूरत है, इतने पैसा में हो जाएगा, इतना पैसा लो, पैसा तो आता है पति लेकिन देता है पत्नी को, जो मांगे ना 1000 रुपये देना पड़ता, बोले क्यों कारण क्या, बोले कारण है पति को पूर्ण विश्वास है कि मेरी सेवा ये कभी भी पैसा को बर्बाद करने नहीं देगी. घर गृहस्थी को कौन चलाता है, पति तो पैसा कमा कर लाता है, लेकिन घर को चलाती कौन है, पत्नी. इसलिए पत्नी को गृह लक्ष्मी, पत्नी को ही गृह लक्ष्मी बताई गई है, पत्नी को बताई गई. कहते कारण है, कहते इनको इतना बसे हुए तो क्यों कर लेते, जैसे कल हम आ रहे थे ड्राइवर का आ रहे थे ना गाड़ी में, जो ड्राइवर उसका पत्नी बड़ा डांट रहा था, कहाँ गए अभी तक क्यों नहीं आए, क्या हो गया है, घर में कब आओगे. तो उसने कहा देखो मेरी पत्नी, मेरे साथ में बाबा बैठे, गुरुजी बैठे, और मेरे कान गए देख गुरुजी बैठे, फिर वो चुप हो गए, फिर वो चुप हो गए. मैंने कहा तुमको डांट लगा रही, मेरी डांट लगा दी. मैंने कहा तब उसने बताया देखो उसने मेरे जीवन भी बदलाया, उसने बताया मेरे जीवन भी, पहले मैं भी पीता था, गुटखा खाता था, उल्टा सीधा काम करता था, लेकिन मेरी पत्नी बड़ी नाराज हो गई, बोले नहीं ये सब गंदी काम नहीं करना है, पीना नहीं, गुटखा नहीं खाना है, हाँ ये सब गंदी काम नहीं करना, उसने मेरे को सुधारा दिया. इसलिए उसका डांट मैं खा करके ये होता हूँ, क्योंकि मेरे को कभी गलत रास्ता में नहीं ले जाती, अगर कभी गलत रास्ता में जाओ वो बचाती मेरे को, मेरे को बचाती, इसलिए मैं उसका डांट भी सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरे पता उसका डांट में कल्याण है. कहते डांट क्यों लगाती, इसको सुनता है क्यों, कारण है उसको पता है वो जो कर रही है सही कर रही है, मेरे को ये कभी गलत रास्ता पे जाने नहीं देती, इसलिए उसका डांट में सुन लेता हूँ. इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते भक्त खुश कैसे होगा, क्योंकि केवल सेवा से ही खुश होता, कमाता है सारी पत्नी को क्यों देता है, क्योंकि वो सारे घर का काम वही करती है, वो सेवा करती है, खिलाती पिलाती, उसका कपड़ा इस्त्री कर देती, सब कुछ वही करके पति को देती है, इसलिए खुश किस किस किसलिए खुश होता है, सेवा से. इसलिए भगवान कहते हैं बस कुर्बंती माँ भक्त्या
सत पत्नी सत पतिंजना, कहते भक्त मेरे को पूरा अपना हाथ की मुट्ठी में कर लेते, मेरे को वैसुभूत कर लेते। बोले कैसे? जैसे एक पति बढ़ता है नारी, पति की सेवा करते 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 उसको वसीभूत कर लेता है, फिर उसको अंगुल तोड़ पड़ना चाहते हैं, कारण है वो सेवा करती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान अगर सेवाई जीवर नित्य धर्म, तब जीव का नित्य धर्म क्या है? ठाकुर जी की सेवा करना, इसका ही यही नित्य धर्म, और इसका कोई धर्म नहीं है। इसलिए बोले सबई पुरुषा पर धर्म जत भक्ति रे जगत में जितने धर्म ही, कहते सर्वश्रेष्ठ धर्म ही जो तो भक्ति रदक सजे, भगवान की को प्रेम करना यही जीव का सबसे श्रेष्ठ धर्म जगत में। ये जो संसार के लिए कहते हैं कर्तव्य है, ये तुम्हारी पत्नी को देखना, बच्चों को देखना, पिता माता को सेवा करना, ये हमारी कर्तव्य, ये धर्म नहीं है, ये हमारे धर्म नहीं। क्योंकि हम कौन है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है, वो ईश्वर का अंश होने का नाते उसका कर्तव्य है ठाकुर जी को सेवा करना, भक्ति करना, एक जीव का केवल यही एक धर्म, और कोई धर्म जीव का है नहीं। का जीव जे सकल वस्त्र पश्चात धावित है से सकल जन्म स्थिति भंगाधीन, लेकिन जो जीव क्या करता है, लेकिन वो जिसको पीछे जीव भागता है संसार में ठाकुर को सेवा छोड़ करके जिसको पीछे भाग रहा है वो क्या है? बल्कि ये सृष्टि स्थिति और प्रलय, एक दिन जन्म होता है, एक दिन बड़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है, नश्वर हो जाता है जगत का वस्तु। इसलिए जिसने बनाया, भगवान खुद कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का घर, और जगत में हर चीज अशाश्वत मतलब अनित्य वस्तु, एक दिन नष्ट होने वाला है। इसलिए असत्य सत्य बुद्धि व अनित्य नित्य बुद्धि करे दुखे विनिमय, दुख ही मानव सुखे विनिमय, दुख ही मानव भाग्य घटे थाके। जीव क्या करते हैं? कहते जो असत वस्तु है उसको सच मान लेता है, और जो सच है उसको झूठ मानता है, हैं? असत्य वस्तु में सच मान लेता है, जगत में जो अनित्य वस्तु को उसको तो मान लेता है ये सच है, और जो सच है ना उसको जीव मान लेता है ये झूठ है, हैं? इसलिए यही जीव का होने का नाते क्या होता है? सुख का विनिमय में उसको दुख मिलता है, चाहता है सुख लेकिन मिलता है दुख। बल्कि क्यों? ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का ये पहला सूत्र है, कहते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें तीन वाक है, अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अरे अतः मतलब क्या? अरे जीव सुख ढूंढता है, जीव शांति सुख ढूंढता है, जीव यहाँ जीव का नेचर क्यों? जीव ईश्वर का अंश होने के नाते भगवान आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, जीवन में भी हम आनंद रस जीवन में ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं क्यों? अतः 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 मतलब होता है जहाँ ढूंढनी चाहिए वो वहाँ नहीं ढूंढता है, वो गलत जगह पर ढूंढता है। कहते एक माता जी थी मेन रोड में, दो घंटे से कुछ किस चीज़ को ढूंढ रही थी, है दो घंटे से किस चीज़ को ढूंढ रही थी मेन रोड में लाइट के नीचे, है ढूंढ रही थी। एक व्यक्ति ने देखा, बोले भैया तुम यहाँ दो घंटे से क्या ढूंढ रहे हो? बोले मेरे को सुई गिर गई है। बोले सुई गिर गई? बोले हाँ। बोले गिरी कहाँ पर? बोले घर में। बोले घर में तो गिरी, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? कहती यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, घर गिर तो घर में, तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ बोले बात तो सही है, मैं तो भूल गई घर में गिरी है। इसका मतलब है हमारी ये दुख का मूल कारण क्या है? बोले कृष्ण बोली से जीव अनादि पहले, तो दुख का एक ही कारण है हम भगवान को अनादि काल से भूल चुके, इसलिए माया क्या कर रही है कि संसार रूपी कारागार में तुमको डाल दिया है। बोले मेरी सेवा नहीं चाहिए, तुम मेरी भक्ति नहीं चाहिए, तो मेरे संतान मेरी भक्ति सेवा नहीं करोगे, माया की सेवा करो, देख ले माया में क्या है, जा करके देख है। जैसे ये होता है ना गन्ने से जूस निकालते, देखे हो एक बार दे देगा जूस निकलेगा, बोले उसमें और थोड़ा जूस डबल करके फेंक देगा, बोले और थोड़ा जूस है, फिर चार डबल करके देगा और थोड़ी सी है, फिर आठ डबल करके फिर उसको अंदर में देगा, और जो पूरा निकल जाएगा फेंक देगा, उसको फेंकेगा नहीं, जला करके फिर उसको। कहते ये जो दुनिया है ना
ये दुनिया बड़ी विचित्र दुनिया है, जगत में जो प्रेम दिखता है इसलिए प्रेम दिखता, अभी तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, अभी है कुछ है, इसलिए दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है। इसलिए कहते हैं ब्रह्ममय जिज्ञासा, वो आनंद कहाँ पर है? बोले जहाँ तुमने सुई को खोया वहीं पर ढूंढो, जिस वजह से ये दुख है वो जहाँ पर ढूंढो। बोले कहाँ पर है? बोले हम भगवान की शरण को छोड़ दिए, प्रभु की भजन छोड़ दिए, इसलिए ये माया हमें दुख कर सकते हैं। पास करो ठाकुर का चरण में आ जाओ, केवल इतना बोलते एक्सक्यूज मी पास हो जाए, पिताजी मेरे अपराध माफ कर दो, आपको भूल गया, दुबारा चरण में स्थान दिवास, इतना केवल इतना ही बोलना और कुछ नहीं। पास ठाकुर जी हमें अपना गोद में ठाकुर जी भर लेंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं हमने सत्य वस्तु को छोड़ करके असत्य वस्तु जो है उसको पीछे हमने लग पड़े, इसलिए सुख जगह पर हमें क्या मिल रहा है? दुख मिलता है। किंतु मानव जो कनो बुद्धिमान है, देखे सुने चतुर है, तो कनो साधु संगे सही अशोक अभय अमृत आधार भगवान ने सेवा जीवन उत्सव करे। कहते मानव जब बुद्धिमान हो जाता है, पहले था भिक्खु, जब मानव जब बुद्धिमान हो जाता है तो वो क्या करता है? बोले भैया संसार में तो कोई सुख शांति नहीं, शांति सुख तो ठाकुर के चरण में। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं बोले अशोक भय अमृत आधार तुम्हारा चरण दो ताहते करना विश्राम लगिया छाड़ी प्रभु ये आत्मा निवेदन अशोक मतलब जहाँ कोई दुख कष्ट नहीं, अभय मतलब जहाँ भय नहीं, अमृत मतलब अमृत कहा है? बोले तुम्हारे चरण दोए, तुम्हारे चरण में ही ये तीनों चीज है। बोले ताहते एकन विश्राम लग गया छाड़ी में भगवान भय, जब हमने तुम्हारी चरण में शरणागत हो गया, संसार का कोई डर भय नहीं था, तब तक डर भय था जब ठाकुर का शरण में हम नहीं आए थे, हैं छाड़िनो भगवान भय। इसलिए ठाकुर का चरण में जब जीवन को उत्सर्ग कर देते हैं वहां जीवन में आनंद आनंद ही है। बोले श्री राधा गोविंद सेवाई जीव रे साध्य पराकाष्ठा, बोले राधा गोविंद का जो सेवाई जीव का यही जीव का लक्ष्य है, और जगत में पराकाष्ठा पराकाष्ठ सर्वश्रेष्ठ यही साध्य है जीव जीव का, और जीवन का यही भी लक्ष्य है। राधा गोविंद मिलित तुम श्री गौरव सुंदर सकल के सही सेवा श्री प्रदान जननी प्रपंच अवतरण होय छिले। बोले चैतन्य महापुरुष जगत में क्यों आए थे? बोले कारण यही है, वही सेवा को प्रदान करने के लिए तुम, इसलिए उनका के भजन है महापुरुष कहते हैं बोले जीव जाग गोरा चांद बोले पतनी सजाओ माया निशाचिर बोले आगी बाबलियाए से संसार बिताए बोलिया रही ले तुम्हें आगियार या कब तक सोते को जगाओ, अभी तो उठो। बोले तुम तो जगे भी हैं। बोले नहीं अभी तो सोए हुए हो। बोले कैसे? बोले माया पिशाच रे बोले हैं। कहते जगना किसको कहते हैं? जब भगवान का भजन करते हो वही जगना। सोना किसको कहते हैं? जब भगवान को भूल करके माया में पड़े हो वो सोना है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, उठो जगो श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करो। इसलिए तुम भगवान की भगवान को क्या बोल करके आया था? यही बोल करके आया था ना, प्रभु ये संसार में भेज रहे तेरे भजन, तेरे भजन करूंगा, तेरे नाम करूंगा, यही तो बोल करके आया था। लेकिन तुम यहाँ पर पूरा पूरा भूल गए हो तुम। इसलिए महाप्रभु कहते हैं एने चिरौ सधि माया नासी वार लागी हरि नाम दवा लिख रही है, बहुत बड़ा सुंदर दवा लाया हूँ, अगर ये दवा को ले लो ना तुम्हारी सारी बीमारी सही हो जाएगी। बोले वो दवा कौन सा दवा है?
बोले हरि नाम महामंत्र लह तुम मागी, कदे हरि नाम एकदम सबसे मीठी दवा है। अगर मीठी दवा कर लो हैं, मीठी दवा मतलब क्या है कि दवा अक्सर करके देखना दवा कड़वी होती होती ना है, इसलिए झट एलोपैथिक दवा मुंह में डाल कर झट पानी से हम नीचे गटका देते हैं। कदे ये जो दवा है ना, ये दवा कड़वी नहीं, ये तो बड़ा मीठी दवा है, बड़ी मीठी दवा है। बोल मधुरम मधुरम मेतद मंगलम मंगलम, कदे मीठे से भी मीठे और मंगल से भी ये मंगल दवा है, बड़ी प्यारी दवा ये है। इसलिए से रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडवे निमित्त विकनुते तुंडा बलि लब्धय कर्ण क्रड़ो कड़बिनि घटयते कर्णा बुद्धे विस्प्रिय। रूप गोस्वामी कहते हैं कदी ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, इतने मीठी भगवान का नाम कृष्ण, ये दो अक्षर में परमात्मा ने कितने रस भर दिया है, इतने मीठी नाम, लेकिन उसको लेने के लिए एक ही जीवा दे दिया। कहते जब ये जीवा में थिरकती ना, ऐसे लगता है भैया अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दे दिया। जब कान में प्रवेश करती है तो कर्ण करोड़ों कड़ब नहीं घटे थे, लगता है ये करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिया, दो ही कान क्यों दिया है, दो ही कान क्यों दिया। इसलिए कहते जो दवा मीठी दवा एक और दवा नहीं, जितने नाम करो उतना ही आनंद उतना ही रस आ गया है। इसलिए इसलिए एनएच इसलिए हरिनाम महामंत्र लह तुम आदि, इसलिए भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया यही महामंत्र बुलाई लगा गया। इसलिए भक्तिमन ठाकुर जो लिख रहे हैं बोले प्रभु आपका श्री चरण में हम गिरते हैं, आपका चरण में हम प्रणाम करते हैं, आप कृपा करके अपना नाम करो, नाम की धन में प्रदान करो, जिसमें धनी धनी होकर के माला माल हो जाएंगे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसलिए श्री चैतन्य महापुरुष जगत में आए थे क्यों, इसलिए उनके चार कारण है महापुरुष जगत में आने का। कितना कारण है? चार। हाँ, इसका जो पहला कारण है कलियुगीय धर्म है नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण श्री चैतन्य, कलियुग का जो युग धर्म है हरिनाम कीर्तन है, इसीलिए ही महापुरुष जगत में आए थे, जगत को हरिनाम देने के लिए ही महापुरुष जगत में आए थे। श्री नामाश्रय द्वारा इससे ही कृपा लाभ है, अन्य उपाय नलयुग में केवल वो जो अशोक अभय और अमृत मिलेगा कैसे, बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उत्तर। इसलिए शास्त्र ने बताया हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल कलो नास्तेव 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 गते रन्यता। इसलिए पहला लाइन में तीन बार, दूसरे लाइन में तीन बार, तो ठाकुर का नाम के सिवाय सिवाय कुछ नहीं है, और दूसरा लाइन नहीं नहीं नहीं, बोले तीन तीन बार भी बताए, बोले किसी बात को अगर तीन बार बोल दो ना पक्की हो जाता है ये सत्य। दूसरा कारण क्या है तीन बार क्यों बताए, बोले इसलिए ये कलयुग का जीव एक बार बोलने से सुनेगा नहीं, एक बार बोलने से नहीं सुनेगा, अरे उधर उधर भागता रहेगा, नहीं तो ये करते थोड़ा ये करते वो करते नहीं, ये नाम के सिवाय और कोई गति नहीं। हनुमान जी तीन बार करता है क्या, देखो रघुपति राघव राजा राम पति तो पांच बार, शंकर जी तीन बार क्या करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, राम नाम को तीन बार गान करते हैं, महामंत्र जय जपत महिषा। मैया देवी क्या करती है, गोस्वामी जी कहते हैं बोले सहस नाम सुन प्रिय वाणी जपी जय प्रिय संग भवानी। शंकर जी इसलिए पार्वती को गोद में बैठा कर रखते हैं, गोद में कारण है शंकर जी कहते अगर किसी कोण में भी एक बार कोई प्रभु का नाम ले लेना, शंकर जी कहते हैं मैं यहीं से प्रभु का नाम करता हूँ। शंकर जी ने अगर कोई एक बार अगर जो दिन रात प्रभु का नाम लेता है, शंकर जी के तो उसमें गोद में स्थान देता है, इसलिए पार्वती को शंकर जी गोद में बैठा थे। कारण किया हर समय पार्वती भगवान का नाम जप करती है। गणेश जी को जगत में क्यों पूजा हो रही है, कारण यही है बोले महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजी अत नाम प्रभाव, इसलिए सबसे पहले इनकी पूजा केवल नाम के प्रभाव से। सारा दुनिया मीरा का जगत में इतना महिमा क्यों, भगवान के नाम से। ध्रुव प्रहलाद इतना जगत में नाम क्यों, नाम के प्रभाव से। जगत में जिस उसको उतना ही प्रतिष्ठा जगत में उतना ही महिमा जो जितने प्रभु का नाम से, ये असली धन है ये धन। इसलिए जिन जिन ने यह मोती लूटे सब माला माल हो गए, और माया के जो गणेश पूजा के आखिर कांगाल हो गए,
इसलिए क्या करनी चाहिए, खूब प्रभु का नाम की धन को लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो। वैसे हरि नाम संकीर्तन की जय, सचिन नंदन गौर हरि की जय, बेटा गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।